कहाँ पे? ऊपर जाते इधर लगी है। मैंने ये सोचा था मेरे बच्चे बड़े हो गए तो सुनी जाएगी। पर शादी में लोग शगन डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, यहाँ पे क्या बन गई? तेल में दी कारो, बाद में उन्होंने ऊपर नाच गाना शुरू किया है। मेरे पोतरे नु इत्थे लग गई, नाच लग गया, फरहान ने नहीं आना मेरे ने पप्पी रोंदी रही आज तोर की आज अपने घर जाने ना तो रोंदी गई, मेरा भतीजे ने नहीं आना। ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर गाने लगे हुए थे और लड़कियां डांस वांस कर रही थी, लड़के डांस कर रहे थे। फिर कौन? वो थी और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना बाहर उनको भेजी है। कौन कौन डांस कर रहा था? वो जो नीचे सारी गलती बड्डों की है। उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो, इन्होंने हल्की भी कर दी, उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है। अभी इन लोगों को मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे, हमारा भाई का इंसाफ हो गया। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ, माँ को देखें उसकी, वो देखें वो जो गलियों में फिरती है, रातों को जो रोती है, उसकी जरा दिखा दें कैमरामैन से, ये देखें जरा ये किस हालत में खातून है, ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है। आप कह रही हैं कि मैं लड़ नहीं सकता? वो तुम मुलजिम फड़न तो पहले बह गए हो, मैंने समझ नहीं आ रही थोड़ी गल दी। ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं और नजायज फरोशी भी करते हैं वो लोग जो क्लाशन कोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब दो। वो देखे ना कि बड़े अच्छे हैं। अच्छे आप तो असले लेके फिरते हैं? वो तो असला जो लेके आए हैं वो ही लेके आए हैं। मेहंदी लग रही थी आपको? मेहंदी लग रही थी, फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। फिर निकाह कर लिया? जी निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए? जी। ये मरीद के की बात किस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। मनमानियां अपनी अथानियों में हो रही हैं, सर्कल में ये हालात हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहमीना शेख। मेहंदी की प्लेटें, मेहंदी के फूल, इस छत को जरा दिखा दें फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हर तरफ फूल ही फूल है। मेहंदी का फंक्शन इस छत पर जारी था, जाहिर है मेहंदी के फंक्शन में नाच गाना होता है, फैमिली वाले होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं। मेहंदी का फंक्शन यहां पर जारी था, आसपास वाले लोग जिनको ये फैमिली कहती है, जराए कहते हैं कि ये बट फैमिली है, बट्टों के लोग, वो कहते हैं जी हमने ऊपर आना है और हमने भी देखना है नाच गाना। फैमिली कहती है कि हमारी औरतें हैं, हमारी फैमिली है भाई, हमने तुम्हें ऊपर नहीं जाने देना। और बात भी ठीक है, जाहिर एक बंदे की फैमिली है तो वो गैर बंदे को तो नहीं फैमिली में घुसाते। इसरार करने के बावजूद नहीं घुसाया गया, वो वापस जाते हैं, वेपन लेते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू। गांव के लोग मुझे ये बताते हैं कि फायरिंग तब तक होती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई, और पुलिस ने आके कॉल भी इकट्ठे किए हैं, ये भी यहाँ के लोग बताते हैं। कितने कॉल इकट्ठे किए हैं ये नहीं पता। इस फायरिंग के नतीजे में दो जवान लड़कों की टांगों पर गोलियां लगी और एक रेडी बान का बेटा उसके मुंह पर गोली लगी। 14 साल उम्र बताते हैं, कुल असासा वो बच्चा था जिसने भी जवान होना था। उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, 1 से 1.5 मिनट में हॉस्पिटल में जाके बच्चे की डेथ हो गई। अब वो माँ जो है ना लेना ना देना हमसाई थी, वो सारी रात रोती है गलियों में, मेरा पुत्र थे, मेरा पुत्र व्याह वाले खा गए, मेरा पुत्र मेहंदी दी रसम खा गई। माँ है, जाहिर है माँ को तकलीफ होती है जिसके जिगर का टुकड़ा है। ये सारा मामला है, हमसे रब्ता किया गया, हम यहाँ पर आए, ये बसरा कॉलोनी कहलाती है मुरीदके की। घर वालों से हम बात करते हैं, इन्होंने पर्चा दर्ज करा रखा है जिसमें 4 नामजद मुलजिम हैं और 4 नामालूम हैं। इनसे बात करते हैं कि इतने दिन गुजर गए, कितने मुलजिम पुलिस ने पकड़े भाई, चलते हैं और सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जरा दिखाएं कि जो फायर मारे गए हैं दीवारों में उसके निशानात अभी भी मौजूद हैं, किस कदर फासले से ये फायर मारे गए थे, इसके बावजूद यहाँ पर 3 लोग जो हैं, 2 मजरूब हुए, 1 की डेथ हुई। मुझे ये बताएं क्या मामला बन गया, क्या कहानी बन गई? शादी में लोग शगन डालते हैं, खुशियां मनाते हैं, यहाँ पे क्या बन गई, क्या मामला है सारा?
मेरा बेटा रात काम से आया है। आपके बेटे की शादी थी? नहीं हाँ, इधर थी वो शादी, इधर थी। अच्छा ठीक है। मेरा बेटा था वो रात काम से आया है वो 12 बजे, तो रात में मुझे टिफिन फड़ा दिए, उसने उसके साथ दोस्त थे उसके, तो कह रहा मामा मैं तेल मेहंदी देखने जा रहा हूँ, मैं अभी उसके पीछे आ गई हूँ। उन लोगों ने ये इधर आया, वो काम वो खत्म कर दिया तेल में दी कारो, बाद में उन्होंने ऊपर नाच गाना शुरू किया है, तो बाद में वो ऊपर चले गए, फिर वो घर गया मोबाइल लेने बड़े भाई का, तो बाद में वो आया, बाद में वापस नहीं आया, वो उनकी पैंट खींची रही, फरहान वापस आ जा, फरहान वापस आया, फरहान इधर ही है, फिर बटो ने फायरिंग कर दी है मेरे बेटे को, उधर कहाँ पे ऊपर किधर लगी है मेरे बेटे को, वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। कितनी उम्र थी बेटे की? 17 साल का 14 साल का 17 साल। अच्छा, वो मेरा बेटा था, वो बहुत अच्छा था, बहुत। आपका अपना घर कहाँ है? वो हम किराए पे रहते हैं। मैंने ये सोचा था मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मेरी सुनी जाएगी, पर अल्लाह ने उसे आपको का पता चला है कि बेटे को गोली लग गई है? उसका बाबा इधर ही था, वो छोटी बहन को उसको ले गए, मैंने कहा बच्चे नहीं आए, तो उन्होंने कहा भाई रोटी खवाने ने हुने ही आए ने, को रौनक मेला ही है ना, तो अभी उन्होंने उधर चढ़न दिता, उन्होंने गोलियां चला दीतियां ने। किस बात पे गोलियां चली हैं? गाने की ऊंची आवाज क्यों की है इस बात पे? को पहले झगड़ा वगैरह था उनसे? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई, कोई मसला कोई नहीं, जिन्होंने जिन्होंने फायरिंग की है कितनी दूर से की है? ये सामने से। अच्छा, आपके शौहर क्या करते हैं? वो बाहर फेरी करते हैं, हम लोग फेरी करके बच्चे। मेरा भाई गरीब है, मेरा भाई बहुत गरीब है, रेंट पे रहता है, बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को गली गली में फेरी कर रही है, बच्चों को अपने को बड़ा किया, जब उनका स्कूल लेने का टाइम हुआ तो मेरे भतीजे को कत्ल कर दिया गया है। हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारे साथ नजायज किया। अभी भी हम डर रहे हैं क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हम इस काबिल नहीं है। डरने की क्या जरूरत है? पर्चा हो गया, पर्चा हो गया, पुलिस काम नहीं कर रही? नहीं, डर इस वजह से है कि हमारे पास हथियार नहीं है, हम इस काबिल नहीं है। इनके जो बंदे फरार हुए हैं ना, वो कहते हैं, कोई कहते हैं वो इश्तिहारी है, कोई कुछ कहते हैं, हमें अपने जो मेरे भाई जाते हैं काम पे, हमें उनका खतरा है। रोला की है माँ जी, तुसी दसो बेटा इन्हना दे भी नहीं सी दुश्मनी? अच्छा, सिर्फ है कि उन्हें उते फंक्शन कीता है, ठीक है, छत उते, हां छत उते कोपे छोपे कोई शय नहीं नजर आंदी, मैं अपने कोठे ते हां। अच्छा, छत ते हां, ओ साडी छत ते, ठीक है। करंट है ने ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਨ ਦਿਓ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਸੀ, ਇਹੀ ਝਗੜਾ ਸੀ? अच्छा ठीक है, ओना नहीं चढ़न दिता, ओना फायरिंग कर दीती है। मेरा बेटा उतरन लगा, हाँ, पहलो चल गई है, दोबारा फिर ओना चलाई मेरे पोतरे नु इथे लग गई, मां सो गया फरहान ने नहीं आना मेरे ने, फुफी रोंदी रही आज तोर की आज अपने घर जाने नो, तो रोंदी गई, मेरा भतीजे ने नहीं आना, मौत ते ओथे ही डिग गया। सारे नाच भज के ने अपनी मेरा पुत्र उत्ते प्यार है, बाद च जाके वेखिया सारिया ने असि मर गए आ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੈਂਟ ਤੇ ਵੇ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਬੂ ਉਹ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਆਪਣੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇ ਘਰੋਂ ਮੇ ਜਾਤੇ ਥੇ? ਹਾਂ ਜਾਤੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਬੇਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਬਸਰਾ ਕਲੋਨੀ। ਬਸਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਅੱਛਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੇਟਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚ। ਉਹ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ? ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਤ ਅੱਠ ਲੋਕ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ?
ऊपर गाने लगे हुए थे, और उन लोगों ने कहा गाने तो लगते हैं हर शादी पे लगते हैं, और नाच गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, लड़कियां डांस वांस कर रही थी, लड़के डांस कर रहे थे, फिर कौन वो थी, और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना बाहर उनको भेजी है, फिर वो आए उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो, इन लोगों ने कहा हमें नहीं ऊपर जाने, ऊपर औरतें डांस कर रही थी, नहीं और औरत कोई भी नहीं थी, कौन थी फिर बेटा, कौन कौन डांस कर रहा था, वो डांस के वो थे नीचे गए हैं इन लोगों, उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो, इन लोगों ने कहा हमने ऊपर नहीं जाने देना, हमारी औरतें हैं ऊपर, हमने नहीं ऊपर जाने देना। मुझे अब ये बताओ कि ये जिन्होंने गोलियां चलाई थी ये इधर ही फिरते हैं कि कहीं भागे हुए हैं? इधर ही फिरते हैं। शराबे पी हुई थी इन्होंने? नहीं, इन लोगों ने ना गाने लगाए हुए हैं, उन लोगों ने कहा गाने बंद करो, इन लोगों ने कहा हमारी खुशी है, हमने फिर लगा के फिर बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद। इधर आ जाओ, कितने बंदे थे बेटा? आंटी जब मैं नीचे आया ना तो पहले फायरिंग रुक गया, मैं भाग नीचे आ गया, मैंने वहाँ से छलांग लगाने लगा, तीन चार लोग जो थे ना वहाँ से फायरिंग कर रहे हैं, फिर दो तीन लोग बटोंगे इधर बैठे थे, उन लोग कहाँ बैठे थे? ऊपर छत पे। हाँ जी, अच्छा बटोंगे वो अपने हथियार जो छत पे तीन चार लोग बैठे थे, असला शसला लगा नहीं, था? नहीं लगाया था, ऊपर क्या हो रहा था? ऊपर गाने लगे हुए थे, और लोगों ने कहा गाने तो लगते हैं हर शादी पे लगते हैं, और नाच गाना हो रहा था, नाच गाना हो रहा था, लड़कियां डांस वांस कर रही थी, लड़के डांस कर रहे थे, फिर कौन वो थी, और वहाँ उन लोगों ने ना वीडियो बना के ना बाहर उनको भेजी है। किन लोगों ने बेटा वीडियो बनाई? जो ऊपर बैठे हुए थे बट्टों के लड़के, जो ऊपर थे कितने थे, दो के तीन? दो, एक एक था, दो एक था। नाम पता है बेटा उसका? नहीं। जो ऊपर बैठा है नहीं। आपको कैसे पता है कि वो बट्टों का या किसका है? वो हमारे मोहल्ले का। आप लोगों ने नहीं बोलना, हम वो साथ वाली गली में रहता है। अच्छा, वो ऊपर बैठा था, उसने ना वीडियो बना के ना नीचे भेजी है, फिर वो आए उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो, इन लोगों ने कहा हमने नहीं ऊपर जाने, ऊपर औरतें डांस कर रही थी, नहीं और औरत कोई भी नहीं थी। कौन थी फिर बेटा, कौन कौन डांस कर रहा था? वो डांस के वो थे जो नीचे वो आए थे। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर उन लोगों ने वीडियो बना के भेजी है, ये वो आए हैं, उन लोगों ने इनको कहा दरवाजा खड़काया, ये नीचे गए हैं, इन लोगों उन लोगों ने कहा हमें ऊपर जाने दो, इन लोगों ने कहा हमने ऊपर नहीं जाने देना, हमारी औरतें हैं ऊपर, हमने नहीं ऊपर जाने देना। तो दो फिर आए हैं, फिर उन्होंने कहा हमने नहीं ऊपर जाने देना। अभी वो पौड़ियों के ऊपर आए हैं, उन लोगों ने बाहर जाकर फायरिंग कर दी, जब पहले फायरिंग हुई है सब बनेरे के साथ आके लगी है, कुछ लेट गए हैं, जब फायरिंग रुकी है मैं नीचे आ रहा हूँ, तीन चार लोग जो उनसे ना वहाँ पे खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे, फिर वहाँ पे एक एक लड़का जो सा ना घर में खड़ा होकर फायरिंग कर रहा था, फिर जो इधर बैठा हुआ था ना इनका एक लड़का ना भाग के ना उनके ना बट्टा रोड़ा लेके ना उनको मारने गया था, फिर जो लड़का इधर बैठा हुआ था ना उसने जाके ना अपने घर हथियार उठा के ना उसकी टांग पे मारा, फिर क्या मारा, फायर मारा। अच्छा, उनकी वो आप सब देख रहे थे? यस, देख रहे थे आप? देख रहे थे। अच्छा, फिर बेटा शाबाश बताओ। फिर वो उसने फायर मारा, फिर ये उधर ही गिर गए हैं, फिर भागे भागे गए हैं, फिर मैं घर जा रहा हूँ और मेरे पापा जो उनसे इधर आ रहे थे भाइयों को लेने, फिर जब मैं नीचे गया हूँ इन लोगों ने कहा 125 पे कॉल चला दो, फिर मेरा भाई मेरे साथ आ रहा था बड़ा भाई, फिर मेरे भाई ने आकर 125 पे कॉल चला दो, फिर मेरा पापा आए हैं, फिर ऊपर गया तो लड़के ने आके बताया कि आपको भाई को फायर लग गया, फिर मेरे पापा रोते रोते घर चले गए, फिर चाचू उधर बैठे हुए थे गैलरी पे, चाचू ने छलांग लगा के मेरा भाई बरा चौन से ना सीढ़ियों के ना नीचे लेकर जा रहा था, मेरे चाचू ने पकड़ के हॉस्पिटल ले गए, फिर वहाँ पे जाके मेरे भाई का से बिठाया, मेरे चाचू की तरफ देखी जा रहा है मेरे चाचू। एक मिनट, जिसके मुँह पे फायर लगा आप उसकी बात कर रहे हो ना बेटा? नाम बताओ मुझे भाई का। फरहान। अच्छा ठीक है, फरहान को फिर हॉस्पिटल ले गए, जब हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो रास्ते में बातें कर रहा था? नहीं। जिसने खड़े होके फायर किया है, घर से पिस्टल लाया, कोई उधर खड़े होके कर रहा है, कोई जबरदस्ती ऊपर चढ़ रहा है, किसी का नाम पता है आपको? दो तीन लोग थे, एक था अब्दुल्ला, ओके, और एक अजीम, इन लोगों ने ना उसे शाबाश आया था इधर, उसने आके ये फायरिंग वगैरह उसने कहा तुम आपके मोहल्ले में ये हो रहा है आप उनको टोकते नहीं हो। ठीक है, एक अब्दुल्ला था, एक अजीम था, इनके हाथों में पिस्तौलें थी, बड़ी वाली छोटी वाली? बड़ी वाली। ठीक है, खड़े होकर फायरिंग कर रहे थे। ठीक है, फिर जो वो यहाँ से गया उसका वो घर है। ठीक है, टैंकी वाला वो पिस्टल वाले का घर है। ठीक है मेरा बेटा, मुझे अब ये बताओ कि ये जिन्होंने गोलियां चलाई थी ये इधर ही फिरते हैं कि कहीं भागे हुए हैं? इधर ही फिरते हैं। पॉइंट इज दिस, अब भागे हैं। कब भागे हैं?
जब ये हुई है ना तो मेरा दोस्त जिस दिन ये फायरिंग हुई है उसके बाद फिरते थे नहीं। अच्छा उसी रात भाग गए। मेरा दोस्त कह रहा था मेरी मामा हमें बता रही थी तीन लड़के थे उन लोगों ने ना काले सूट पहने हुए थे और वो वहां पर भाग के जा रहे थे और मोहल्ले वाले कह रहे हैं जब मैं गया था उधर तो मैंने उनको रोका कि ना करो आप तो उसने कहा आप पीछे जो मैंने नहीं तो आपको भी फेर मार देना। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे फिरते हुए देखे है उनको? नहीं देखा। पहले जब फिरते थे ना पहले ये मामला नहीं था हुआ पहले गन्ने राइफल एक वहाँ पे खड़े रहते थे। कहाँ पे? वहाँ पे वो गली के मोड़ पे। इससे पहले ये लोग आप लोगों के घरों में आते जाते थे? आते थे जी। अच्छे फैमिली फ्रेंड्स से दोस्त थे? हाँ जी। जब फिर झगड़ा क्यों हो गया पता नहीं। यहाँ पे कोई शराबे पी हुई थी इन्होंने? नहीं इन लोगों ने ना गाने लगाए हुए हैं उन लोगों ने कहा गाने बंद करो। हाँ। इन लोगों ने कहा हमारी खुशी है हमने फिर लगा के फिर बंद कर देंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है बेटा सारी गलती बड्डों की है। उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो इन्होंने हल्की भी कर दी उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है। अभी ये मेरे पापा है कैसे समझाए हम इन लोगो मामा सारी गलियों में फिरती रहती है कैसे समझाए इन लोगो मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे हमारा भाई का इंसाफ हो गया। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ। कितने दिन हुए बेटे को दफनाए हुए? छह दिन हो गए। ये कहीं नहीं लिखा के पुत्र कोई गोली मार के चला जाए तो तुसी का वो मैं नहीं लड़ सकता मैं गरीब हूं। माँ को देखें उसकी वो देखें वो जो गलियों में फिरती है रातों को जो रोती है उसकी जरा दिखा दें कैमरामैन से ये देखें जरा ये किस हालत में खातून है ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है मेरा पुत्र आ रहा है। माँ तस्लीम नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को मार दिया है। आप कह रही हैं कि मैं लड़ नहीं सकता और तुसी मुलजिम फड़न तो पहले बह गई हो मैंने समझ नहीं आ रही थोड़ी गल दी। आपका क्या लगता है? मेरा भाई है। आपका भाई है? कितना आपसे बड़ा है या छोटा है? दो तीन साल का ही फर्क। दो तीन साल का फर्क है। ये अम्मी का हाथ क्यों पकड़ रही हो? तसल्ली से खड़े हो बेटा तसल्ली से खड़े हो जो क्या बात हुई थी पहले कोई बात इस झगड़े से पहले भाई से क्या बात हुई थी? कोई बात हुई थी कि कभी को तंग करता है ये असला लेके फिरते हैं? नहीं पहले कोई बात नहीं थी। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या कहना चाहती हो? अभी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है मेरा जवान भाई इन्होंने कत्ल कर दिया। हम इंसाफ चाहिए इन्हों की कोई गलती नहीं सारी गलती बड़ों की है। इन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने बोला गाने की आवाज हल्की कर दो इन्होंने हल्की भी कर दी उन्होंने फिर फाइटिंग कर दी है। अभी हम इंसाफ चाहिए अभी मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। उन्होंने सामने वहां पे खड़े होकर उन्हों को मारा ये मेरे पापा है कैसे समझाए हम इन लोगों को मामा आसानी गलियों में फिरती रहती है कैसे समझाए? कौन गलियों में फिरती रहती है? मामा मेरी मेरा बेटा बाड़ा में जाता है कैसे समझाया मैं तो नींद हराम हो गई है हमारी तो हमें ना बस इंसाफ चाहिए बस इन जैसे उन्होंने हमारा भाई मारा ना हम भी इन्हों को देखेंगे इन्हों को भी मारने जाएंगे हमने भी इन्हों को देखना इन्हों को मरते हुए देखेंगे ना तब तो हम भी नफल पड़ेंगे हमारा भाई का इंसाफ हो गया हमें बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरे भाई दो मेरे से बड़े इतना प्यार करते जो मैंने मांगना वो मेरे खिलाफ कोई बात नहीं थे सुनना चाहते जो मैंने मांगना मेरी आधी जुबान से उन्होंने मेरे मुझे दिला आगे देना करना जैसे मैंने कहना उन्होंने वैसे ही करना करना। अगर मैं छोटी बहन थी उन्हों की छोटी बहन थी मैंने कहना भाई मेरे चाचू की ना लड़के की सालगिरह मैंने कहा भाई मुझे पैसे चाहिए मेरा भाई कहता परेशान ना हो सी ऐसा गिफ्ट दागे हैरानी हो गए कहते मेरा बड़ा मैं गिफ्ट दे तो पहले चला गया मेरा बड़ा भाई है वो काम भी नहीं जाता इतना रोता रहता उसकी तस्वीर दे दे के। मैडम मैं बच्चे का बाप हूँ। ठीक है जिसका बेटा हमें दुख है आपके बेटे का बहुत दुख है हमें। हम तुझे पुत्र का खून माफ करना है कि लड़ना है? मैडम देखो मैं गरीब आदमी हूँ। अच्छा मैं बाहर मेरा मकान भी वो जो है ना रेंट का किराए पे रहते हो? किराए पे रहता हूँ। अच्छा ठीक है मैं बाहर अंदर आता जाता हूँ मजदूरी मेरा माँ बाप भी वो भी फेरी करते हैं मेरे भाई हैं वो भी फेरी का काम करते हैं मेरा बाप वो भी फेरी का काम करता है। ओके हम तो दो वक्त की बस रोटी है जो है ना वो पूरी कर सकते हैं। ठीक है और जो पैसे बचते हैं थोड़े बहुत वो जब बिल आते हैं वो कसर बिलों में निकल जाती है। ठीक है ठीक है हमारे इतने वसाइल नहीं है। ठीक है मैं अपने अल्लाह के ऊपर मैं अपने पुत्र का मुकदमा जो है ना मैं अपने अल्लाह के ऊपर उसको छोड़ दिया मेरा अल्लाह इंसाफ करेगा मुझे उसकी जात पे यकीन है और वो बहुत जल्द इंशाल्लाह इंसाफ करेगा। कितने दिन हुए बेटे को दफनाए हुए? बेटे को दफनाए हुए इतवार को हफ्ते को दफनाया था। ठीक है छह दिन हो गए। छह दिन के अंदर
मुलजिम कोई पकड़ा? जी पकड़ा। कितने? दो पकड़े हैं, उनमें से तो एक को तो मैंने देखा, वो तो बेगुनाह है, जो अबू बकर नाम का लड़का है ना, वो बेगुनाह, उसको वो मेरे साथ था। ठीक है, आपको बचाने वाला है, साइड पे करने वाला, मुझे बचाने वाला। ओके, दूसरा? दूसरा मैंने नहीं देखा, वो मौका वारदात पे मौजूद था, मैं भी नहीं इधर था, मैं अपने घर में था, मैं अभी 5-7 मिनट पहले इधर से गया हूँ उधर, तो ये काम हो गया, मुझे नहीं पता फायरिंग करके। जब मुझे तो मैं इधर आया हूँ, मैंने, मेरे दो बेटे थे छोटे। आपके कुल कितने बच्चे? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, शहबाज दुनिया से चला गया? फरहान। अच्छा, फरहान नाम था उसका, फरहान चला गया। फरहान चला गया। पीछे कितने हो गए? पीछे दो बेटे हैं मेरे। अच्छा, ठीक है। कितने कितने से? ये एक ये है। ठीक है, एक इससे बड़ा है। इधर आ जाओ बेटा। ठीक है, ये मेरी बेटी है। मैं मजबूर हूँ कहने पे, ये जो आपका बच्चा है ना, अल्लाह इसको जिंदगी दे, आमीन, ये बहादुर बच्चा है। पूरी कहानी उसने सही करके सुनाई है, बिल्कुल ऐसे ही। मैं ये भी दुआ देती हूँ आपको, ये कहीं नहीं लिखा कि पुत्र कोई गोली मार के चला जाए तो तुसी का वो मैं नहीं लड़ सकता, मैं गरीब हूँ, ए गल गलत है मैडम साहब, गल गलत है। बात सुने ना, मेरी बात सुने, माँ को देखे, उसकी वो देखे, वो जो गलियों में फिरती है, रातों को जो रोती है, उसकी जरा दिखा दे कैमरामैन से, ये देखे जरा ये किस हालत में खातून है, मुझसे देखा नहीं जा रहा इस बीबी को, कि इस बीबी की हालत क्या है, ये रातों को गलियों में निकल जाती है और रोती रहती है कि मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आ रहा है। माँ तस्लीम नहीं कर रही कि मेरे बच्चे को मार दिया है, आप कह रही है कि मैं लड़ नहीं सकता। मेरे इतने वसाइल नहीं है, मैं उम्मीद नहीं है इदारों से, नहीं उम्मीद नहीं, ठीक है, मुझे अल्लाह से उम्मीद है, मुझे किसी से उम्मीद नहीं। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दिल नहीं दुखता? दिल तो बहुत दुखता, हम तो रात को सोते नहीं है, रोते रहते हैं, सारी रात रोते रहते हैं। वो मेरा पुत्र मेरा बहुत आसरा था, मुझे जब भी उसे तो काम करता था, मैं इधर एंड पे रहता हूँ, मैंने छोटा सा एक प्लाट भी ले लिया है अपना मकान बनाने के लिए, लेकिन इस मोहल्ले से थोड़ा दूर था, ठीक है, लेकिन दिल तो बहुत दुखता, हम रोते क्या करें, अब रोते हो सब्र करके बैठ गए, हमारे पास और नहीं कोई इनसे लड़ाई हम नहीं ले सकते। ओ तुसी मुलजिम फड़न तो पहले बह गए हो, मैंने समझ नहीं आ रही थोड़ी गल दी। मैडम मेनू दूसरे बच्चों का भी परेशानी है। परेशानी है, धमकी दिंदे ने? नहीं मेनू धमकी तो उन्हें फिलहाल कोई नहीं दिती है। कोई पैगाम पहुंचाया ना, कोई किसी किस्म का। फिर तो तुहानू कादी परेशानी? परेशानी की पता कि कोई मजीद इस तो काम खराब होए तो कोई सारे वास्ते कोई और मसला खड़ा हो जाए। अच्छा, इनका ये काम नहीं है, ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं और नजायज फरोशी भी करते हैं। वो लोग जो क्लाशन कोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जो असला लहराते हैं, और आगे मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और भी बहुत मशगले होते हैं इनके, ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब दो। वो देखे ना कि बड़े अच्छे हैं। अच्छे? आप तो असले लेके फिरते? वो तो असला जो लेके आए वो ही लेके आए। इतने ख्वाब सजाए थे, वज गज के ब्याह करांगे, जावांगे, निकाह करांगे, बुढ़ी लेके आवांगे। मेहंदी लग रही थी आपको? महंगी लग रही थी, फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। फिर निकाह कर लिया? जी निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए? जी। ये मरीदिया की बात किस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। अच्छा, मगर यहाँ पे जो SHO तैनात हुए हैं माशाल्लाह, वो पेशेंट है, मरीज है, हार्ट पेशेंट है, गश्त करते नहीं है बाहर। अच्छा, मन मानी अपनी थानियों में हो रही है, सर्कल में ये हालात है। मुदई कौन है जी? आप है? क्या लगते हैं आप शहबाज के? मैं शहबाज का चाचू लगता हूँ, मल्लेदारी से नाते हैं। मल्लेदारी के नाते? जी। अच्छा, ये सुल्तान मेरा भाई है। अच्छा, ये बच्चे का बाप है? जी। अच्छा, खालिद मेरे भाई की शादी थी। ठीक है। तेल मेहंदी वाले दिन इन लोगों ने हमारे साथ बहुत ज्यादती की है, असी DPO साहब से, IG साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि सानू इंसाफ दिता जाए। ठीक है, हुन मुदई तुसी हो? जी। किन्ने नाल खाए ने पर्चे दे विच? 8 नाम जी। चार नामजद ने, 4 नामलूम ने। चार नामजद ने ते 4 नाम मालूम ने? जी। जेड़े नामजद ने ओ नाम दसो। एक दा नाम जे मेरा सिस्टर इना दे नहीं है, एक दा नाम जे हरून, एक दा नाम जे ये कौन बोले हरून? आप बोले? चले आप बता दें, चारों नाम बताएं, क्या क्या नाम है? उनके सीधे भी नाम है, बूढ़े भी नाम है, इन्होंने एक एक नाम लिए, इन्होंने दो दो नाम रखे हैं। इनका एक काम नहीं है। अच्छा, इनका एक काम नहीं है। हाँ। ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं। अच्छा, और नजायज फरोशी भी करते हैं। अच्छा, सिर्फ हम इसलिए चुप थे कि मोहल्लेदारी है। अच्छा, लेकिन आप जब हमारी इज्जत नहीं रही, हाँ, हम इन बटों को क्या करें? ठीक है, ये हथियारों की भी तस्करी करते हैं। अच्छा, और नजायज फरोशी भी करते हैं। ठीक है, कितने नाम बता दो मुझे। गलियों में असला लेके घूमना, समझ लें कि जब मेला नहीं लगा होगा, हाँ, इन्होंने हथियारों का मेला लगाया होगा। अच्छा,
कानून कहाँ पे है? अच्छा, गरीब आदमियों के लिए कोई कानून नहीं। अच्छा, ये इनका काम, ये जितने भी आदमी आए हैं क्लेशन लेके आए हैं। अच्छा, क्लेशन से नीचे ये हथियार नहीं लेके आए। ठीक है, जो भी हमारे इधर हवेली पे ऊपर हमला हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्लेशनों के साथ किया है। वो लोग जो क्लेशन कोफे लेते हैं, जो फायरिंग करते हैं, जो असला लहराते हैं, और आगे मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहती, और भी बहुत मशगले होते हैं इनके, आप सब समझदार लोग हैं जी। ऐसे लोगों के साथ आना जाना क्यों था घरों में? घरों में आना जाना नहीं था। सवाल आपसे नहीं किया मैंने, जवाब दो। देखे ना कि बड़ों के भी आपस में तलोकात अच्छे थे। बड़ों के अच्छे थे? अच्छे थे, ठीक है। ये इनके बड़े जो हैं शादी में भी इनवाइटेड हैं, हमने बुलाया हुआ है। अच्छा, हमारी कोई दुश्मनी, कोई लागत बाजी इनसे नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बड़ों से कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर भी इन्होंने हमारे ऊपर क्यों फायरिंग की? गलत किया हमारे ऊपर, जुल्म किया। गलत किया। मैंने आपसे सवाल किया कि ऐसे लोगों के साथ क्यों आना जाना रखा हुआ था? ये तो जालिम लोग हैं, खतरनाक लोग हैं, नहीं जी? खतरनाक है ना जी, बिल्कुल। हरकत कर दी ना खतरनाक, भाई ले लिया ना जी, दोबारा तो नहीं आना। नहीं तो फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना क्यों रखा हुआ था? उठना बैठना बड़े अच्छे हैं। अच्छे? आप असले लेके फिरते? वो तो असला जो लेके आए हैं वही लेके आए हैं। बड़ों ने तो ऐसा काम नहीं था किया। अच्छा, बड़े तो कोई काम पे गया, कहीं गया। ठीक है, ये अपने पिंड दे बंदियां दा नहीं पता? पता है, फिर दसो मैनू, सामने आके दसांगे। सामने आके शनाख्त परेड थोड़ी हो रही है जी, तुहाडे सामने कोई फायर मारे तो तुहानू नहीं पता है पिंड दा बंदा है कि नहीं? एकदा नाम जीम जीम आंदे ने, ओ हद्दो का ते आंदा हुंदा, मैनू कन्फर्म नाम दा नहीं पता, एफआईआर दे विच उहदा नाम सही लिखिया। ठीक है, किन्ने नाम ने? चार ने। चार नाम, दो तुसी दसे ने, बाकी दो नहीं पता जी। और किसी को पता है भाई? वो दुल्हे मियां जिनकी ये शादी थी उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं, बेचारे का क्या कसूर था, उसकी शादी के रंग में भंग डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? खालिद अली। खालिद क्या बन गई? कुछ भी नहीं, इतने ख्वाब सजाए थे, वज गज के ब्याह करांगे, जावांगे, निकाह करांगे, बुढ़ी लेके आवांगे, की बन गया? कुछ भी नहीं, अभी समझ नहीं आई क्या हुआ। हम ऊपर अपना फंक्शन कर रहे थे जी, मेहंदी लग रही थी आपको? मेहंदी लग रही थी, फंक्शन हम अपना कर रहे थे, हमें समझ नहीं आई, फायरिंग चलने लग पड़ी है नीचे से। अच्छा, हम सारे बाह के नीचे आए हैं, आगे से सीधी फायरिंग हुए हैं, हमें पता भी नहीं चला के नीचे आए हो, सभी बाह के नीचे आ गए हैं। अच्छा, पता चला बच्चे को फायर लग गया है। ओहो, हम सभी बाह के नीचे आए, आगे से उन्होंने फिर फायरिंग की है। अच्छा, एक भाई की टांग पे लगा, एक मेहमान आया था, कजन था, उसकी भी टांग पे फायर लगा। हमें खुद नहीं समझ आई, आगे वो फायर करते हैं, पीछे से वो भाग गए, हम जो है इन्हें उठा के तो हॉस्पिटल ले गए। फिर निकाह कर लिया? जी, निकाह कर दिया। फिर सादगी से किया होगा? सादगी से, बिल्कुल सादगी से। निकाह करके फिर ले आए जी। कुछ कहना चाहते हो? इंसाफ ही है मैम, इंसाफ चाहिए बस। क्या करते हो? मैं मिल्क का काम करता हूँ। किसका? दूध दही की दुकान है। दूध दही की दुकान है, यहीं रहते हो शुरू से? जी। तो यहाँ जहाँ रहते हो, मतलब ये सिस्टम है, यहाँ का कल्चर है गोलीबाजी और ये मामला? जी जी, रूटीन है। हाँ जी, कोई दावत नहीं है हमारी किसी से, किसी भी कोई दावत नहीं है, सब के साथ प्यार मोहब्बत से रह रहे थे। हमें खुद नहीं समझ आई क्या बना, हमें खुद नहीं समझ आई वो फायरिंग क्यों उन्होंने किया, कैसे किया, हमें समझ ही नहीं आई। मियां रियाज मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जनाब मुकामी सहाफी हैं, यहाँ से इस खबर को फौरी रिपोर्ट किया। रियाज, कितने दिन हो गए वाकये को? तकरीबन एक हफ्ता हो गया मैम। कितने मुलजिम पकड़े? सिर्फ एक मुलजिम पकड़ा गया जो नामजद है, बाकी जो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए ना एक पकड़ा हुआ। क्या कहते हैं एसएचओ? एसएचओ साहब, ये मुरीदिया की बात किस्मती है मैम के यहाँ पे मिनी लियारी का नाम दिया गया, बल्कि लियारी से आगे निकल चुका है। अच्छा, मगर यहाँ पे जो एसएचओ तैनात हुए हैं माशाल्लाह, वो पेशेंट हैं, मरीज हैं, हार्ट पेशेंट हैं। क्या मतलब? हाँ, हार्ट पेशेंट हैं। अच्छा, अभी पिछले दिन उन्हें 3 स्टंट पड़े हैं। अच्छा, गश्त तो करते नहीं है बाहर। अच्छा, मनमानियां अपनी अथानियों में हो रही है, सर्कल में ये हालात है, दादा पोता भी पिछले दिन कत्ल हो गए, कोई मुलजम पकड़ा नहीं गया है। अभी इनके जो मुलजम है, चार नामजद है, चारों में से 3 पकड़े नहीं गए हैं। ये तो एसएचओ की ना अहली है कि उसके इलाके में अगर कोई सरेआम पिस्टल या असलहा लेकर घूमता है तो जवाब दे तो एसएचओ है भाई, क्यों नहीं पकड़ा, नकेल क्यों नहीं डाली, क्यों नहीं पूछा? इस कदर ना अहली मैम के लोग जिनके अपने मर जाते हैं प्यारे, वो बयान देने से डरते हैं।
कि भाई हम बयान देंगे, हमें भी रास्ते में जाते हुए मार देंगे। इस कदर जंगल का सिचुएशन क्या है, ताजा सिचुएशन क्या है अब यहाँ की, यहाँ के मुरीद क्या की? हाँ, नहीं, बसरा कॉलोनी की, इस फैमिली की, इस फैमिली के बेचारे जिनका बेटा फौत हुआ है, मर्डर हो गया, वो तो गरीब लोग हैं, वो तो अब केस भी नहीं फाइल करना चाहते कि हम केस भी वापस ले लेंगे। जो दूसरे लोग जिनके जो जख्मी हुए हैं वो कह रहे हैं जी हम केस को जो पुट आउट करेंगे, मगर वो भी डरे सहमे हुए हैं। क्लाशन कोफ के सामने, पिस्टल के सामने कौन खड़ा होगा? अच्छा, ये तो पुलिस का हक बनता है, स्टेट का हक बनता है कि शहरियों को तहफ्फुज़ दे। ठीक है, बिल्कुल। मुकामी जो सियासतदान है, जो नुमाइंदे, उनका हक बनता है कि जिनको ये मुंतखब करते हैं। मुल्ज़िम कोई नहीं पकड़ा, कोई नहीं पकड़ा, एक पकड़ा है बस। अच्छा, जो पकड़ा है उसकी कोई बयान दिया है एसएचओ ने कि मैंने ये बंदा पकड़ लिया? कोई बयान नहीं दिया। कोई आप लोगों से बात की है? आप लोग तो मुकामी साफी हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं ना? नहीं, वो बात कहते हैं, मैं वो मीडिया पे आता ही नहीं। क्यों? बस उनकी मर्जी हो। वजह मीडिया पे क्यों नहीं आते भाई? जब आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हैं जहाँ भी आपने पब्लिक डीलिंग करनी है, आप जवाब दें आवाम को। जब सियासी तैनाती होंगी मैम, तो जवाब कौन देगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं एसएचओ की बात कर रहा हूँ। नाम बता दें पूरा। सलीम अख्तर नियाजी साहब। अच्छा, सियासी भर्ती कैसी हुई है इनकी, कौन सा बंदा है इनके पीछे? सियासी भर्ती के मतलब यहाँ पे मुरीद के में जो भी तैनाती किसी भी एसएचओ की होती है, वो सियासी मुदाखलत के बगैर नहीं होती मैडम। सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो बात लगी वो ये थी कि वो मासूम बच्चा 14 साल का, उसका बाप ये कहता है कि मेरे बाजुओं में जान नहीं है, मैं अपने बच्चे के कत्ल का पर्चा भुगतूं, मैं फेस करूं, मैं मामला रब ते छड्या, अपनी इन्नी औकात नहीं असी थाने कचहरियां भुगतीए। जवान बेटा, जरा अंदाजा लगाएं, जवान बेटा किस कदर ना उम्मीद है निजाम से, सिस्टम से, कि 5-7 दिन पहले बच्चा मरा है और बाप कहता है कि मेरे सकत नहीं है। और बात भी दुरुस्त है कि रेड़ी बहन है बेचारा, किराया लेगा, थाने पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा, कचहरी कैसे जाएगा, वकील कैसे करेगा, फिर रात को बीवी को रोटी कहां से देगा, अगर एक दिन रेड़ी नहीं लगाएगा तो दिन कैसे गुजरेगा। ये जिम्मेदारी है रियासत की, ये कोई नो गो एरिया नहीं है, कोई कच्चे का इलाका नहीं है, थाना लगता है भाई, लोग आबाद हैं, गांव है, कैसा सिस्टम चल रहा है, क्यों असलहा लहराते फिरते हैं इस गांव में और सरेआम लहराते हैं भाई, क्यों? वजह तो ये सिस्टम अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाता आज तमीना शेख इधर पुकार ना कर रही होती। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।